मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को स्वर्गीय कैलाश जोशी कृषि मंडी बागली में स्वर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, सांसद प्रतिनिधि दूले सिंह दरबार, कमल यादव की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माँ सरस्वती का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। इस दौरान व्यापारी व किसानों को संबोधित करते हुए विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने कहा कि बागली मंडी को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएंगे। मंडी में जल्द ही बड़ा चद्दर शेड बनाया जाएगा, जिससे कि यहां पर आने वाले किसानों एवं व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो एवं मंडी का अच्छे से संचालन हो, यहां पर खरीदी प्रारंभ हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान मंडी समिति की ओर से सभी अतिथियों का पुष्पमाला एवं चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं मंडी समिति की ओर से सेवानिवृत्त सैनिक एवं कर्मचारियों का भगवान बलराम का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही विधायक कन्नौजे द्वारा ग्राम बहरी निवासी आर्मी रिटायर राजू गोस्वामी का साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। प्रणाम करता हूँ हमारे किसान साथी और व्यापारी साथी आज हमारे बीच मौजूद है। हम लोगों ने आज गोल्डन जुबली मनाई है। बागली मंडी और लोहारदा मंडी दोनों एक साथ 50 साल पूरे हुए हैं। हमने स्वर्गीय जोशी जी के नाम से इनका नाम रखा है। हमारे जोशी जी की याद में हम लोग इन दोनों मंडी का विकास करना चाहते हैं। अभी कोरोना काल की वजह से या कमलनाथ की कोरोना सरकार की वजह से हमारे यहाँ विकास रुक गया था, जिसका विकास हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल साहब के द्वारा बोलकर हम इसमें 4 गुना विकास करेंगे और डबल शेड बनवाएंगे और मंडी के कर्मचारियों को भी बढ़ाएंगे और हमारे किसानों को सुविधा, व्यापारियों को सुविधा देंगे, ऐसा हमारी सोच है। और हमने आज ये स्वर्ण जयंती मनाई है, इसी खुशी में हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम रखा। मैं सभी को, किसान साथियों को, व्यापारी साथियों को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।